हेलो दोस्तों, मैं धीरज मोहंती, मोहंतीज किचन में आपका स्वागत है। मेरी सारी पुरानी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज मैं आपको हेल्दी मसाला ओट्स बनाने की विधि बताने जा रहा हूँ, जो काफी हेल्दी होती है और फाइबर से भरपूर होती है। इसमें हम बहुत सारे वेजिटेबल्स का यूज करने जा रहे हैं, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक बाउल प्लेन ओट्स, साथ में मैंने एक बाउल गाजर क्रश करी हुई ली है। इसके साथ मैं ले रहा हूँ एक प्याज बारीक कटा हुआ, साथ में मैंने यहाँ तीन टमाटर लिए हैं छोटे बारीक कटे हुए। यहाँ मैं ले रहा हूँ हरा धनिया कटा हुआ, तीन से चार कटे हुए लहसुन और तकरीबन दो से तीन हरी मिर्ची छोटी। इसके साथ मैंने यहाँ लिया है शिमला मिर्च, एक पूरी शिमला मिर्च बारीक काट ली है। यहाँ पे मैंने लिए फूल गोभी एक बाउल, थोड़ी सी हल्दी के साथ इसको मैंने बॉईल कर लिया है। हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करती है। हल्दी के पानी में हमने इसे इसलिए हल्का सा उबाला है क्योंकि आजकल गोभी की जो फसलें उगाई जाती है उस पर पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, इसलिए हम इसे इस पेस्टिसाइड को हटाने के लिए हल्दी का पानी यूज करते हैं। आप दूसरे वेजिटेबल में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसमें लगने वाले मसालों के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा सरसों राई जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे मैंने काश्मीरी मिर्च और मिर्च दोनों थोड़ी थोड़ी ली है। यहाँ लिया है मैंने हल्दी पाउडर, साथ में मैंने लिया है नमक, धनिया, यहाँ पे मैंने लिया है असली घी 2 टेबल स्पून और थोड़ा सा गर्म मसाला। तो चलिए अब अपन इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है एक फ्राइंग पैन, इसे हम गैस ऑन करके गर्म कर लेंगे। इसे कुछ देर गर्म होने के बाद मैंने ये असली घी लिया है, हम इसे इसमें घी के गर्म होने के बाद अब हम इसमें ये राई डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और साथ ही हम इसमें लहसुन भी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, इसे अच्छे से हम भून लेंगे, हल्का गुलाबी होने तक अच्छे से भून लेंगे। प्याज यहाँ हल्के ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगा। ताकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगा ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। टमाटर हल्के पकने के बाद हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे जो हमने पहले से चॉप करके रखी हुई है, और इसे काफी अच्छे से मिला के हम इसे पका लेंगे। इसमें हम क्रश करी हुई गाजर मिला लेंगे। आप यहाँ देखेंगे काफी वेजिटेबल नजर आ रहे हैं, काफी कलरफुल बनना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें ये गोभी डाल देंगे जो पहले से हमने हल्की सी बॉईल करके रखी है, इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर जो हमने मसाले लिए थे वो डालेंगे। हमने यहाँ थोड़ा सा धनिया डाला है, थोड़ी लाल मिर्च और काश्मीरी मिर्च मिक्स करके हम डाल रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला डाल रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी ले रहे हैं और साथ ही थोड़ा नमक। नमक स्वाद अनुसार लेना है आपको, आप अपनी जरूरत के अनुसार इसका यूज कर सकते हैं। अब इसे हम काफी अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए
ढाक देंगे। अब हम इसे 3-4 मिनट स्टीम होने के बाद इसे एक बार मिक्स करेंगे। ये काफी अच्छी खुशबू आ रही है उसमें और लगभग हमारी वेजिटेबल्स पक चुकी हैं। आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो ये सारी जो वेजिटेबल मैंने यूज करी ये तो आप कर ही सकते हैं। साथ में यहाँ छोटे छोटे पनीर के टुकड़े डाल सकते हैं, आप पालक कटी हुई डाल सकते हैं, यहाँ तक कि मेथी डाल सकते हैं, लौकी क्रश करके डाल सकते हैं। जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है वो सारी वेजिटेबल आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बॉयल अंडे चॉप करके आप इसमें डाल दीजिए, काफी टेस्टी लगेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसमें बॉयल्ड चिकन के पीसेस, बोनलेस पीसेस का भी यूज कर सकते हैं इसे बनाने के लिए। अब हम यहाँ इसमें थोड़ा पानी लेंगे ताकि वेजिटेबल और अच्छे से बॉइल हो जाए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 ग्लास पानी लिया है। पानी आप अपने वेजिटेबल की क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। जो मैंने यहाँ ये प्लेन ओट्स लिए हैं एक बाउल, ये वेजिटेबल के बाउल बॉइल होने के बाद में हम इसे इसमें डालेंगे। आपने देखा होगा बाजार में मिलने वाले मसाला ओट्स, वो काफी प्रिजर्वेटिव होते हैं उसमें। यहाँ पर हम प्लेन ओट्स ले रहे हैं और साथ में फ्रेश वेजिटेबल के साथ में, उससे भी ज्यादा टेस्टी बनता है। आप एक बार वो भी यूज करके देखिए और अपने घर में भी बनाकर यूज करके देखिए। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम तेज कर दिया है और अब हम इसे ढक के तकरीबन 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। जब तक हमारे वेजिटेबल बॉइल्ड हो रहे तब तक मैंने यहाँ पर सलाद बनाया है कुकुम्बर टमाटर प्याज और नींबू के साथ। ये आप अपने ओट हेल्दी ओट्स के साथ सलाद भी यूज कर सकते हैं। यहाँ हमारे सारे वेजिटेबल अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें ये एक कटोरी ओट्स, प्लेन ओट्स को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को लो फ्लेम में कर देंगे जब इसे मिला रहे होंगे। देखिए काफी कलरफुल डिश बनी है और काफी हेल्दी डिश है ये। इसे मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा गैस को तेज करेंगे और इसे चलाते रहेंगे। इसे काफी देर छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है बीच बीच में। ये काफी अच्छे से पक चुका है। यहाँ पर आप अमेरिकन कॉर्न को भी इसमें यूज कर सकते हैं, वो भी काफी हेल्दी होता है। इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे। अभी हमारा हेल्दी मसाला ओट्स काफी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे एक बाउल में खाली कर लेंगे। सो फाइनली हमारा मसाला ओट्स तैयार हो गया। इसे मैंने हरे धनिया से गार्निश किया है। इस हेल्दी मसाला ओट्स को जो काफी सारी वेजिटेबल से बना है, डिनर में आप इसे कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट डाइट से इसे रिप्लेस करके इसे यूज कर सकते हैं, खाना इसे खाने में यूज कर सकते हैं। मसाला ओट्स के साथ यहाँ पर मैंने सलाद ली है और दोनों का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है, आप इसे यूज करके देखिएगा। और साथ ही अगर मेरी ये रेसिपी, हेल्दी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे फेसबुक पेज पे भी इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।